ओके सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ पिंगटोन फोटो एडिटिंग, जो कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पिंगटोन फोटो एडिटिंग एक ऐसा एडिटिंग है दोस्तों, जिससे आप काफ़ी कम स्टेप में काफ़ी अच्छी तरह से फोटो बना सकते हो। मैं इस फोटो एडिटिंग को सिर्फ दो स्टेप में आपको सिखाया हूँ, बस आपको वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको फोटो एडिटिंग समझ आ जाएगा, तो भाई के लिए एक लाइक ज़रूर बनती यार, ताकि मैं आप लोग के लिए और ऐसी ऐसी कम स्टेप में फोटो एडिटिंग लेके आ सकूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हुए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की ओर। जैसे कि दोस्तों यहां से हम मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद हम सबसे पहले टूलविच को ओपन करेंगे। तो दोस्तों आपको टूलविच प्ले स्टोर में मिल जाएगी, आप जाके वहीं से डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ से हम टूलविच पर ओपन कर लेंगे। एंड दोस्तों यहाँ से टूलविच ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ से आपको एक प्रो एडिटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जो भी फ़ोटो को एडिटिंग करना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम इस फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों देख लीजिए टूलविच का टूल्स खुल गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले डार्क ब्लैक इफेक्ट देंगे, ठीक है। तो अब उसे डार्क ब्लैक इफेक्ट कैसे देना है आपको मैं बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना होगा, कुछ इस तरह से स्क्रॉल करना है। एंड दोस्तों यहाँ से आपको एक फोटोग्राफी का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से इसमें क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से ब्लैक एंड वाइट करके है, इसमें क्लिक कर देना है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट टूल्स है, इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से दोस्तों आपको कुछ इस तरह से स्क्रॉल करना है। एंड यहाँ से आपको लाइट के बगल में डार्क इफेक्ट है, इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह से क्लिक करने के बाद देख लीजिए बैकग्राउंड एंड पिक में डार्क इफेक्ट आ गया है, एंड फेस में भी आ गए। अब इसे रिमूव कैसे करें, तो उसके लिए आपको जस्ट इफेक्ट के बगल में मार्क्स का ऑप्शन है, इसमें क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आपको इरेस का ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस तरह से इरेस कर देना है। तो यहाँ से दोस्तों मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। तो देख लीजिए यहाँ से फेस एंड हैंड वे इफेक्ट था ब्लैक, उसे हम रिमूव कर लिए हैं। अब रिमूव करने के बाद यहाँ से आपको राइट कर देना है, जो कि दोस्तों यहाँ से फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना होगा, कुछ इस तरह से फिर से स्क्रॉल करना है। एंड यहाँ से आपको एक टूल्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों टूल्स में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ब्लेंडिंग मिक्सर का एक टूल दिखाई देगा, इसमें क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको माय फोटो पर क्लिक करना है और एक पिंक बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप जाके वहीं से डाउनलोड कर लीजिए। इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ब्लेंडिंग मिक्सर पर एक बार और क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से दोस्तों कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, पूरे पिक्चर्स में ढक लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको ओरली का ऑप्शन मिलेगा, जो कि एडजस्ट के बगल में है, ठीक है, इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद ओरली के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक और ओरली पर क्लिक कर देना है, ठीक है, ओरली करके है, इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से दोस्तों जो फेस वगैरह में पिंक टोन इफेक्ट आ गया है, जैसे कि आप मार्क्स टूल्स पर क्लिक करके, मतलब मार्क्स ऑप्शन पर क्लिक करके उस इफेक्ट को हटा सकते हो। तो यहाँ से हम कुछ इस तरह से हटा लेते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ से हमने भी इफेक्ट को रिमूव कर लिया एंड राइट कर लेना है। तो देख लीजिए आप दो ही स्टेप में काफ़ी अच्छी तरह से फोटो एडिटिंग हो गई है। आप भी कुछ इस तरह से पिंगटोन फोटो एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कीजिए यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।